प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। भवन के अंदर जांबोजी ने अपने शिष्यों को कहा कि ये स्वर्ण नगरी है, यानी समरातल स्वर्ण नगरी है ही, पर जांबोजी कहते हैं कि मैंने भगवान के हुक्म से यहाँ स्वर्ण नगरी का निर्माण भी कर दिया है। जो आप ये भवन देख रहे हो और तुम अच्छी तरह से इस धन को देखो और मेरी बात को मानो, मैं तुम्हें सब बात जो है आगे समझाऊंगा। तब जांबोजी के वो पांचों शिष्य खीओजी भीओजी दुर्जंदी और सहसोजी रणधीर जी सब भवन के अंदर स्वर्ण से भरे भवन को खूब देखा, यहां तहां भवन में देखा, सब भवन जो है स्वर्ण से भरा पड़ा है। फिर के चीज सब जोई, फिर के चीज सब जोई, शिष्यों के सबर जब होई, फिर के चीज सब जोई, शिष्यों के सबर जब होई, ना दूजी की जवा कोई, सभी सोना पलकाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, समराथल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं, समराथल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं, ये पांच जंब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रणधीर के शंका हुई है, रणधीर के शंका हुई है, कोई जादू की चीज नहीं है, रणधीर के शंका हुई है, कोई जादू की चीज नहीं है, परीक्षा लेने की भावना भई है, सिलम को तुरंत उठाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, ये पांच जन्म के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, समराथल शोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। रणधीर के शंका हुई है, रणधीर के शंका हुई है, कोई जादू की चीज नहीं है, परीक्षा लेने की भावना भई है, सिलम को तुरंत उठाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, समराथल शोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं, ये पांच जंब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। बाबल ये मन सोच के, बाबल ये मन सोच के, सहनानी कुछ होय, बिन सहनानी संत भी बात न माने कोय। अरे जब समराथल जाएंगे, जब समराथल जाएंगे, सबको ही दिखलाएंगे, जब समराथल जाएंगे, सबको ही दिखलाएंगे, विश्वास उन्हें दिलवाएंगे, यूं फिल्म को ही छुपाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, ये पांच जंब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, समराथल शोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। जब समराथल जाएंगे, जब समराथल जाएंगे, सबको ही दिखलाएंगे, विश्वास उन्हें दिलवाएंगे, यू
सुलम को तभी छुपाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पांच अजंब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। जाम्बो जी के उन पांच शिष्यों ने भवन में जब सब सोना ही सोना दे करके बड़ा ही आश्चर्य किया कि इतना धन तो गुरु जी ने इकट्ठा किया है और किसी को पता भी नहीं लगने दिया, और इकट्ठा करके और आगे गुरु जी इस धन से क्या करेंगे इस बात का तो पता गुरु जी बाद में हमारे को बताएंगे। मगर उनके मन में शंका हुई, रणधीर जी के मन में शंका हुई। वो शंका उनके ये हुई कि ये सोना असली है या नकली है। जैसे कई लोग गोड़िया विद्या दिखाते हैं, नजरबंद की कला दिखाते हैं, कहीं गुरुजी ने ऐसे कोई ढंग तो नहीं किया है। ऐसा जान करके और एक सोने की शिलम को उठा करके रणधीर जी ने वो शिलम अपनी जेब में डाली। दूसरी बात रणधीर जी ने यह सोची कि जब हम समराथल पर इस प्रकार से सोना देखा, स्वर्ण नगरी की शुरुआत जाम्बो जी ने इस प्रकार का भवन बना करके की है और भवन सोने से भरा है, बिना सबूत के लोग मानेंगे इस बात को, इसीलिए एक नमूने के तौर पर रणधीर जी ने सोने की शिलम उठा ली और अपनी जेब में छुपा ली। रणधीर जी ने बड़ा ही सावधानी से ये काम किया कि मुझे शिलम उठाते शिलम को छुपाते कोई देख न ले, पर जाम्बो जी ने उसको देख लिया। मगर जाम्बो जी बोले नहीं कि मैं देखता हूं रणधीर ऐसा काम क्यों कर रहा है, ये तो सरासर चोरी है और चोरी करना पाप है, मगर रणधीर चोरी क्यों कर रहा है बाद में इनको पूछूंगा। जम्ब कहीं चलो अब प्यारे जम्ब कहीं चलो अब प्यारे, इंतजार करे वहां सारे। जम्ब कहीं चलो अब प्यारे, इंतजार करे वहां सारे। सब बाहर आया गया रे, जम्बो जी ताला लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। ये पांच अजंब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। रण धीर जेब जब टोई, पड़ी शिलम जेब में सोई। रण धीर जेब जब टोई, पड़ी शिलम जेब में सोई। शंका दूर उन्हीं की होई, जरा मन में शर्माते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पांच अजंब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल सोवन नगरी का हम ज्ञान दिलाते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। बिने पूछे मैं शिलम उठाई, बिने पूछे मैं शिलम उठाई, अब समझ बबल के आई। बिने पूछे मैं शिलम उठाई, अब समझ बबल के आई। जाम्बो जी को दिखलाई, बबल जी
माफी चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल शोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। पांच जम्ब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बिन पूछे मैं सिलम उठाई, जब समझ बबल के आई। ना भोजी को दिखलाई बबल जी, माफी चाहते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल शोभन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। ये पांच जम्ब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। जाम्भो जी ने अपने उन पांच शिष्यों को कहा कि भाई अब तुमने भवन सोना देख लिया है तो चलो, समराथल पर हम सब का लोग इंतजार कर रहे हैं। जाम्भो जी की बात सुन करके जाम्भो जी के वो पांचों शिष्य भवन से बाहर आ गए और जाम्भो जी भी बाहर आ गई और भवन को भवन के ताला लगा दिया। तब रणधीर जी ने अपनी जेब में सिलम को संभाली। जब सिलम जेब के अंदर मिली तो रणधीर जी की शंका का समाधान हो गया कि ये खजाना तो जाम्भो जी का बिल्कुल स्वर्ण का भंडार है, मगर मैं सिलम को जाम्भो जी को बिना पूछे ही उठा करके ले आया, ये तो मैंने एक प्रकार से चोरी की। रणधीर जी को इस बात से बड़ी शर्म आई और वो सिलम सोने की जाम्भो जी को दिखाते हुए गलती की माफी मांगने लगे। रणधीर सिलम दिखलाई, रणधीर सिलम दिखलाई, मैं लाया परीक्षा ताई। रणधीर सिलम दिखलाई, मैं लाया परीक्षा ताई। सहनाई की बतलाई जाम्भो जी, तब समझाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल शोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पांच जम्ब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये वहां कहनी चाहिए थी, यूं ही नहीं लानी चाहिए थी। ये वहां कहनी चाहिए थी, यूं ही नहीं लानी चाहिए थी। कुछ शर्म आनी चाहिए थी, संत का देश लजाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पांच जम्ब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गलती ये तुमने की है, चोरी की संज्ञा दी है। गलती ये तुमने की है, चोरी की संज्ञा दी है। आदत पूरी अब भी ये कहकर लानत दिलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल शोभन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। ये पांच जम्ब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। गलती ये तुमने की है, चोरी की संज्ञा दी है। गलती ये तुमने की है, चोरी की संज्ञा दी है। आदत पूरी अब भी है, यूं के ला
जमानत दिलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक पांच जंब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। रणधीर जोड़ कर लीना और गुना मान भी लीना, रणधीर जोड़ कर लीना और गुना मान भी लीना। तब जा भेजी के दीना, एक युक्ति बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पांच जम्ब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। गलती की माफी मांगते हुए रणधीर जी ने अपने मन की बात बतलाई कि मैं सिलम इसीलिए लाया था, जो हमने सोना देखा वो सोना असली है या कोई बनावटी ढंग है। जैसे जादू आदि के काम होते हैं इसी प्रकार से। और दूसरी बात ये थी कि समराथल जाएंगे तब स्वर्ण भंडार देखने की बात कहेंगे, तब बिना सोना देखे लोग स्वर्ण भंडार की बात को मानेंगे नहीं। मगर गुरु जी, मैं आपको बिना पूछे सिलम उठा ले आया, ये चोरी की बात है, इस बात के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तब जांभो जी ने रणधीर जी को डांटते हुए कहा, रणधीर ये काम तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मेरे शिष्य होकर के और भगवान के भक्त हो, संत भेष में तुमने संत भेष लजाने की बात की है, मगर तुमने सारी बात बतला दी कि मैं इसी काम के लिए सिलम लाया हूँ, और तुमने गलती स्वीकार भी कर ली है और माफी भी मांगते हो। इसलिए भगवान के हुक्म से मुझे एक बात सूझी है, तो मैं भी आपको बतला देता हूं। गायक व लेखक बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम, हाँ गायक व लेखक रामकरण पूनिया उर्फ बजरंग रामकरण ओम विष्णु शरणम, और यह रिकॉर्डिंग जो करने वाले कान सिंह जी सोलंकी, और इस प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करके प्रस्तुत करने वाली कंपनी श्री कृष्णा कैसेट कंपनी जोधपुर, और सहयोग में धेरा राम जी शर्मा देशनोक निवासी, और तबला वादक पूनम जी द्वारका, और ढोलक पर संगत करने वाले लक्ष्मण भाई, और घड़ा बजाने वाले लक्ष्मण जी द्वारका, और खंजरी बजाने वाले हिमराज जी द्वारका, और सहयोग में भगवान की महिमा की जयकार बोलते हुए देशनोक निवासी मास्टर जी लालचंद जी शर्मा, और भामटसर निवासी दिलीप जी जो हमारे साथी भगवान की महिमा की जयकार बोल रहे हैं, और आप इस प्रसंग को सुन रहे हैं। तो जब जांभो जी ने क्या कहा, जंब कही सुनो अब प्यारे, इसे रखना पास तुम्हारे, जंब कही सुनो अब प्यारे, इसे रखना पास तुम्हारे, ना रखूं पास या मेरे वापिस नहीं वहां ले जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समराथल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। ये पांच जंब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ओम विष्णु हम पुण्य करना, होगा धर्म पुण्य दुगना। ओम विष्णु नाम पुण करना, होगा
का धर्म पुण्य तुम्हें दुगना। ओम विष्णु ना हम पुण्य करना, तुम्हें होगा धर्म पुण्य दुगना। पर उपकार भलाई करना, तेरे पाप सभी जल जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं समरातल सोवन नगरी का, हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। समरातल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। ये पांच जम्ब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। जांबो जी ने कहा, रणधीर भगवान के हुक्म से ये सिलम तुम तुम्हारे पास में ही रखो। मुझे पास रखने का भगवान का हुक्म नहीं है, और ना ही वापिस रखने का भगवान का हुक्म है। हे रणधीर, तुम भगवान के हुक्म से भगवान के नाम पर दान पुण्य करते रहो, और भगवान के नाम पर उपकार भलाई करते रहो, जिससे तुम्हारे को धर्म पुण्य होगा और इस पाप से तुम्हारे को छुटकारा हो जाएगा। भगवान के नाम पर धर्म करने से तुम्हारे को दुगना फल मिलेगा। जांबोजी ने कहा, पांच शिष्यों को जंब कही, सुनो तुम मेरी बात। स्वर्ण खजाना ये मेरा, मैं देऊं तुम्हारे हाथ। स्वर्ण नगरी निर्माण में लगा देना तुम जान, इसीलिए धन ये रखा, यही मेरा अरमान। जब आएगा वो समय भगवद हुकम कुमान, तभी खजाना दूं तुम्हें, सुनो मेरा फरमान। जांबोजी उन अपने पांच शिष्यों को कहा कि ये आप जो अभी स्वर्ण भंडार देखा है, ये समरातल स्वर्ण नगरी यानी सोवनी नगरी के निर्माण के लिए भगवान के हुक्म से मैंने ये सोना धन इकट्ठा किया है। समय आएगा जब भगवान के हुक्म से ये स्वर्ण भंडार मैं तुम्हें सौंप दूंगा, और तुम आगे समरातल स्वर्ण नगरी निर्माण में ये सोना लगा देना, क्योंकि मेरा काम 12 करोड़ जीवों को भगवत नाम जपाने का है। सो मैं ये काम पूरा करके भगवान के हुक्म से स्वर्ग चला जाऊंगा। फिर समराथल पर आए जी, फिर समराथल पर आए, सब देख सिलम हरिसाए जी। फिर समराथल सब आए, सब देख सिलम हरिसाए। बाबल ये खूब तुम लाए, सभी शंका मिट जाते हैं। समरातल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पांच जम्ब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समरातल सोवन नगरी का हम ज्ञान दिलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बाबल गुरु बहाते अपनाई, बाबल गुरु बहाते अपनाई। परमारथ सिलम लगाई, फल धर्म होया दुगनाई। पाप से ओ भाई, बाबल गुरु बहाते अपनाई। परमारथ सिलम लगाई, फल धर्म होया दुगनाई। पाप जल धर्म हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समरातल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। समरातल सोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं,
बताते हैं। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। फिर जांबो जी सहित वे सब लोग समरातल शिखर पर जहाँ संत भक्त सब जन समूह बैठे थे वहाँ आए और जांबो जी के कहने से रणधीर जी ने सबको सोने की सिलम दिखाते हुए स्वर्ण भंडार देखने की बात सबको बतलाई। तब सब लोगों को खुशी हुई और समरातल स्वर्ण नगरी सोमनी नगरी के नाम से सब लोग मानने लगे और कालांतर में इसी नाम से समराथल को पुकारेंगे, ये बात भी तय हो गई। बाबल रणधीर जी ने जांबो जी के कहे अनुसार जो सोने की सिलम भगवत नाम पर जो परोपकार में लगा दी। तब जांबो जी ने कहा कि हे रणधीर, भगवान के नाम दान पुण्य होने से तुम्हारे को दुगुना धर्म पुण्य हुआ है। एक गुणा से जो ये तुमने सिलम उठाई और चोरी की बात हुई, जो इस बात से तुम्हारे को जो पाप लगा वो पाप खत्म हो गया और दूसरा गुणा तुम्हारे धर्म खाते में धर्म पुण्य जमा हो गया। बाबल की देखी ऐसी सफाई जी, बाबल की देख सफाई जंब, बाबल की देख सफाई गए जांबो जी हर साई। बाबल की देख सफाई गए जांबो जी हर साई, पांच शिष्यों को बुलवाई। जांबो जी वचन फरमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, समरातल शोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं, समरातल शोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम ज्ञान बताते हैं। जब कह दीना सौंप खजाना, जब दीना सौंप खजाना, मेरे बचनों को अपनाना, नित भगवत के गुण गाना, दूर सब दुख हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, समरातल शोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं, ये पांच जंब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जाए जीव कभी ना धोकना, जाए जीव कभी ना धोकना, कोई धोके तो उसे रोकना, ओम विष्णु देव का जपना, जीवन तही सुख पाते हैं, सुनाते हैं, समरातल शोवन नगरी का हम ज्ञान बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं, ये पांच जंब के शिष्यों की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। भगवान के हुक्म से जांबो जी ने खियों जी को, भियों जी को, दुर्जन जी को, सैसो जी को, रणधीर जी को अपने पास बुलाया और जांबो जी ने कहा कि भाई अब जो है मैं जो तुम्हारे को ये बात कह रहा हूँ, जो मेरे वचनों को मानना है, रणधीर का मन साफ है और ये परोपकार करने वाला और भगवान का भक्त है, इसलिए आप पांचों में ये मुख्य रणधीर हैं और मैं भगवान के हुक्म से ये स्वर्ण भंडार आप पांचों को सौंपता हूँ। आप मेरे वचनों का पालन करते हुए किसी भी जाए जीव की सेवा पूजा नहीं करोगे और औरों को भी जो जाए जीवों की सेवा पूजा करे उनको जो है रोकोगे और एक ओम विष्णु भगवान की सेवा पूजा करोगे और ये धन स्वर्ण नगरी निर्माण में लगाओगे। कोई भी स्थान बनाओ तो केवल ओम विष्णु भगवान की सेवा पूजा के लिए बनाओगे। मैं यानी मेरी सेवा पूजा, मेरा नाम स्मरण नहीं करना है,
मेरे वचनों का पालन जब ही होगा जब तुम लोग मेरे को गुरु मान करके मेरी आज्ञा का पालन करोगे, केवल ओम विष्णु भगवान को ही ध्यानोगे भजोगे, जब तुम्हारा उद्धार जो है भगवान करेंगे।